जी अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा नाम शेख जमील है और मैं ताजिर हूँ। मेरा सवाल यह है कि फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने के ख्वाहिशमंद है, तो हमारी बस्ती में जो दो मस्जिद है तो वहाँ पर आखिर वक्त में नमाज होती है, तो अव्वल वक्त में पढ़ना चाहते तो घर में पढ़ लिए तो क्या बेहतर होगा, और अगर घर में पढ़े तो अपनी अहलिया के साथ जमात बनाकर पढ़ लिए तो बेहतर होगा, और अगर जमात बनाए तो मुसल्ला किस तरह से। भाई ने एक सवाल किया कि किसी जगह वो रहते हैं जहाँ मस्जिद में ताखिर से नमाज होती है फजर की, तो वो चाह रहे हैं कि मैं अव्वल वक्त पढ़ लूँ जमात को छोड़कर। तो बहरहाल मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपकी मस्जिद में देर से भी नमाज होती है तो आप बाजमात ही नमाज पढ़िए, चाहे वो थोड़ी ताखिर कर रहे आप ताखिर से पढ़िए, इससे उम्मत की इज्तिमाईयत उनका इत्तेहाद व बाकी रहेगा। जो हमारे पास नमाजें होती है गो वो ताखिर से होती है लेकिन वो मुनाफिक की नमाज में शामिल नहीं होती, जो सूरज डूबते या निकलते हुए देखे और फिर फजर के लिए खड़े हो, असर का डूबते हुए देखे और खड़े हो, ताखिर से होती है लेकिन वो मुनाफिक की नमाज के उसमें नहीं होती। और बहुत से लोग बोलते हैं सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया तुम पर वो एक ज़माना आएगा जब जालिम हुक्मरान बैठ जाएंगे जो नमाजों को ताखिर से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, तो तुम अव्वल वक्त में पढ़ लो। लेकिन हदीस लंबी है, उसमें अल्फाज ये कि फिर तुम अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लेना, लेकिन जब वो लोग जमात से पढ़ेंगे जब जमात में भी शामिल होना, दोबारा पढ़ना पड़ेंगे, फिर जमात छोड़ने का हुक्म नहीं है लेकिन तुम वहां भी शामिल होना, उसी हदीस में आगे अल्फाज है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर वहां होती है तो आप वहीं जाइए और वहां पढ़िए, इसलिए कि आप अगर अहलिया के साथ पढ़ेंगे तो भी औरत और मर्द साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, जमात नहीं होंगी ना, फिर अलग होना, औरत और मर्द महरम भी हो तो साथ नहीं पढ़ सकते, पीछे रहेंगे अलग, ठीक है, तो लिहाजा फिर जमात कहाँ हो रही है आपकी। बहुत सारे नौजवान बोलते हैं असर हमारे मस्जिद में बहुत लेट होती है लिहाजा हम अलग पढ़ लेंगे, मैं कहता हूँ ये असर लेट होती है मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये मुनाफिक वाली असर नहीं है जो सूरज डूबते हुए देखे फिर भागते हुए जाए वजू करे लाल होते हुए और फिर नमाज पढ़े, दो सायों के बराबर। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दो साय हो जब साया तो तब असर का वक्त शुरू होता है, ठीक, लेकिन हदीस से मालूम होता है एक काफ़ी है, ठीक, तो वो उनका एक इज्तिहादी मसला है, ठीक, लेकिन वो हरगिज़ नहीं, चूंकि जब सूरज जब गुरूब होना शुरू होता है लाल होता है ना, जब साया चार हो जाता है तकरीबन, वो नमाज तो नहीं कि एकदम आखिर वक्त तक रोका जा रहा है और पढ़ रहे हैं, ठीक है, इज्तिमाईयत बहुत अहम चीज़ होती है। तो लिहाजा मैं आपसे कहूँगा आप मस्जिद जाइए, मस्जिद में जमात से पढ़िए, मस्जिद वालों को आप बोल सकते हैं कि थोड़ा इसको आप और जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, लेकिन बहरहाल जहाँ मदरसे वाली मस्जिदें होती हैं वहाँ अक्सर अलहमदिल्ला जल्दी होती है नमाज़ें, वहाँ चले जाइए, लेकिन मैं कहूँगा इज्तिमाईयत में रहिए और मुसलमानों के साथ जो है जाके नमाज़ पढ़िए, अकेले में नमाज़ आप ना पढ़िए। जज़ाकअल्लाह।